वेलकम है स्टूडेंट्स, इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी की सेशन में आपका स्वागत है। इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी में हमने बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ इकोनॉमी और इकोलॉजी की बात कर रहे हैं, और मैंने जैसे कि पिछले सेशन में कहा था कि इस सेशन में जो अभी हम लोग कर रहे हैं, इसमें हम लोग लास्ट ईयर यूपीएससी में आए क्वेश्चन को देखेंगे जिसका संबंध इकोलॉजी और इकोसिस्टम के बेसिक कॉन्सेप्ट से है। लेकिन मुझे लगा कुछ बेसिक जानकारी, जो कुछ टर्मिनोलॉजी है जिसका संबंध इकोसिस्टम और इकोलॉजी से है, उसको बताना जरूरी है, तभी सेशन को कर लेते हैं। इसके बाद हम लोग प्रश्न पत्र को कर देखेंगे जो इससे संबंधित हैं। तो आइए आज के सेशन में हम लोग बात करते हैं। इसे हम लोग बात करेंगे इकोटोन के बारे में, एज इफेक्ट, एज स्पेसिज, स्मॉल और कैपिटल देख लीजिए, हैबिटाट के बारे में, होम रेंज, टेरिटरी और निशे के बारे में बात करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो आइए इसकी शुरुआत करते हैं। तो हम लोग बात करेंगे अभी जो हमारा अभी है, जो इसके अनुसार चर्चा करना, जिनका संबंध काफी करीब है, इकोटोन, एज इफेक्ट, एज स्पेसिज और एज स्पेसिज। तो इकोटोन जो होता है, ट्रांजिशन जोन होता है दो या दो से अधिक पारिस्थितिक तंत्र के जो कॉमन एरिया होता है, जहां पर वो मिले होते हैं, उनका ट्रांजिशन जोन होता है, वही इकोटोन है। जैसे मान लेते हैं कि एक हमारा ये इकोसिस्टम ए है, और यहां पर हमारा एक और इकोसिस्टम है, ये हमारा है बी। तो कह रहा है कि ट्रांजिशन जोन, तो ये हमारा ये जो ट्रांजिशन जोन है, इसी को हम लोग बोल देते हैं इकोटोन। अगर मान लेते हैं कि एक और यहां पे आ जाता है बी, ये पूरा का पूरा ये इलाका जो हमारा ये एरिया, ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, इकोटोन हो जाएगा। ठीक है, ये जो पूरा का पूरा इलाका हमारा इकोटोन हो जाएगा, तो इसी को हम लोग इकोटोन कहते हैं, जहां पर कि दो या दो से अधिक पारिस्थितिक तंत्र आपस में ओवरलैप करते हैं। अब इकोटोन में खासियत यह होती है कि ये जैविक विविधता से भरा हुआ होता है। जैविक विविधता यहाँ पे काफी गहन रहता है, जैविक विविधता। जैसे कि यहाँ पर इकोटोन के बारे में एग्जांपल के द्वारा समझाया गया, इसको समझते हैं। इकोसिस्टम ए, इकोसिस्टम बी, हमने सी को नहीं लिया, इकोसिस्टम सी को नहीं लिया है। तो इकोसिस्टम ए, इकोसिस्टम बी, जहां ये दोनों आपस में मिलते हैं, ओवरलैप करता है एक दूसरे से, उससे हम लोग यह ट्रांजिशन जोन कहेंगे, वो हमारा होता है इकोटोन। तो एक तरफ स्थलीय इकोसिस्टम है, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है, एक तरफ मराइन इकोसिस्टम है। तो कोस्टल एरिया में क्या होता है, स्थलीय टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम और मराइन इकोसिस्टम दोनों आपस में वहां पर ओवरलैप करते हैं, ट्रांजिशन जोन बनता है। तो यहां पर देखा हुआ कि मैंग्रोव जो वनस्पतियां होती हैं वो कहां तटीय भागों में बनती है, सागरीय भाग में होती है लेकिन तटीय भाग में होती है। तो ये कॉन्टिनेंटल सेल्फ पर बनती है, कौन, मैंग्रोव जो हमारा वन होता है, फॉरेस्ट होता है, कॉन्टिनेंटल सेल्फ पे बनता है। और कॉन्टिनेंटल सेल्फ जो होता है वो ट्रांजिशन जोन होता है टेरेस्ट्रियल और मैराइन का। तो मैंग्रोव जो है जैविक विविधता से भरा हुआ है, यहाँ पे बायोडायवर्सिटी बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, जो जीव टेरेस्ट्रियल में होते हैं वो तो जीव रहते ही रहते हैं, इसके बाद जो मराइन जीव होते हैं वो भी यहाँ पर पाए जाते हैं। तो दोनों के कॉमन जो जीव होते हैं, मराइन लाइफ के और टेरेस्ट्रियल लाइफ के, मतलब कि टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के, मराइन इकोसिस्टम के, उसके साथ साथ दोनों के यहाँ पर कॉमन जीव यहाँ पर पाए जाते हैं। मतलब कि यहाँ पर क्या होता है, जैविक विविधता ज्यादा हो जाती है। और यहाँ पर जो जीव पाए जाते हैं वो कुछ ऐसे जीव होते हैं जिनका संबंध जो सिर्फ इसी इकोटोन में ही रह सकते हैं, जैसे टर्टल, कुछ ऐसे कोस्टल भाग में टर्टल होते हैं कि जो सागरीय भाग में भी रहते हैं, स्थलीय भाग, लेकिन अब बहुत ज्यादा स्थल के ऊपर जा सकते हैं आंतरिक भाग में, और सागर में बहुत अंदर दूर तक, गहराई तक जा सकते हैं, वो कोस्टल एरिया में रहते हैं। ठीक है, जिससे कुछ इसी प्रकार से क्रैक्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, जैविक कुछ फिशेज ऐसी होती है कि जो कोस्टल भाग में ही पाई जाती है, मैंग्रोव वाले भाग में ही पाए जाते हैं। कुछ वनस्पतियां ऐसी होती हैं जो कि मैंग्रोव, जैसे कि सुंदरबन वन हम लोग देखते हैं, कुछ वनस्पतियां मैंग्रोव में ही जो एरिया है वहीं पर पाई जाती हैं, तो यहाँ पे जैविक विविधता से भरी होती हैं। उसी प्रकार से फॉरेस्ट एक तरफ है और एक तरफ डेजर्ट है। तो फॉरेस्ट एक तरफ जहां पर है, फॉरेस्ट और डेजर्ट
जो जो जहां पर दोनों आपस में मिलते हैं, जिससे ओवरलैपिंग होता है, वहां पर ग्रासलैंड पाया जाता है। और इस ग्रासलैंड में फॉरेस्ट के भी वनस्पतियां और जीव पाए जाते हैं, और डेजर्ट के भी वनस्पतियां और जीव पाए जाते हैं, और एक ग्रासलैंड के भी अपनी वनस्पतियां और जीव होते हैं, जिसके कारण यहाँ पर भी जैविक विविधता बढ़ जाती है। वही हमारा फ्रेश वाटर और सलाइन जो इकोसिस्टम है, वो जहाँ पर मिलते हैं, फ्रेश वाटर और सलाइन जो इंस्योरेज होती है, इस्टोरेज जिसे ज्वारनद मुख बोला जाता है, ठीक है, इस्टोरेज या फिर इसको डेल्टा का ही इस्टोरेज बनती है या डेल्टा बनती है, वहां पर भी जैविक विविधता अधिक देखने को मिलता है। कहने का मतलब है कि इको टोन की जैविक विविधता इकोसिस्टम की अधिक होती, इनका एक अलग से इकोसिस्टम होता है। जो इको टोन है, ये एक अलग से इकोसिस्टम होता है, लेकिन चूंकि इस इकोसिस्टम को कुछ अपनी खासियत होता है, इसलिए इस इको टोन की कुछ खासियत होता है, इसीलिए कला से ये इकोसिस्टम बनाते हैं। लेकिन इको टोन भी अपने आप में इकोसिस्टम है, और यहाँ की जैविक विविधता इकोसिस्टम वन और इकोसिस्टम टू से ज्यादा होती है। यहाँ पर बायोडायवर्सिटी बहुत ज्यादा होती है। आप देख सकते हैं कि इको टोन, मैंग्रोव, ग्रास लैंड, एस्चुरी या डेल्टा, ये इको टोन आप देखने से लगेगा कि यहाँ पर जैविक विविधता उसके आसपास के इकोसिस्टम से अधिक पाई जाती है। तो ये है हमारा इको टोन। अब है एज इफेक्ट क्या है। एज इफेक्ट वो होता है कि जो हमने ये इकोसिस्टम है, ये जो इको टोन जो हमने बात की थी, जैसे कहीं बताया कि इकोसिस्टम ए इकोसिस्टम में जहां पर ये मिलते हैं, जो इको टोन बनता है, या फिर एक और मिला देते हैं जैसा कि बनाया है यहाँ पर सी, ये जो जैविक विविधता यहाँ पर पाई जाती है वो ज्यादा पाई जाती है, ठीक है। तो जो जैविक विविधता अधिक पाई जाती है, रिचनेस यहाँ पर रिच होता है ऑर्गेनिज्म में, इसी को हम लोग एज इफेक्ट कह देते हैं। एंड इकोसिस्टम इज मार्क्ड बाय अ रिचर बायोडायवर्सिटी कंपेयर टू द बॉर्डरिंग इकोसिस्टम। जो इकोसिस्टम अगल बगल के हैं, यहाँ यहाँ और ये, इसकी तुलना में यहाँ पर क्या होता है, बायोडायवर्सिटी अधिक पाया जाता है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज इफेक्ट, इसी को हम लोग एज इफेक्ट कहते हैं, ठीक है। जो जैविक विविधता यहाँ पर इको टोन में बहुत ज्यादा पाई जाती है आसपास के पारिस्थितिक तंत्र से, इसी को हम लोग एज इफेक्ट कहते हैं। इको टोन यूजुअली कंटेन्स यूनिक स्पेसीज एंड इकोलॉजिकल रिलेशनशिप, यहाँ पर यूनिक होता है आसपास के इकोसिस्टम से हटकर। जरा एज स्पेसीज बच गया, एज स्पेसीज किसे कहते हैं, जो इको टोन में जो भी स्पेसीज विद्यमान है उससे हम लोग बोल देते हैं एज स्पेसीज। इको टोन में जो स्पेसीज विद्यमान है उसी को हम लोग बोल देते हैं एज स्पेसीज, इसको ध्यान रखेंगे। लेकिन यहां पर स्मॉल एज है, EDGA, ठीक है। और एक होता है कैपिटल में EDG एज स्पेस, अगर ये ऑप्शन रहता है कैपिटल और स्मॉल तो ध्यान रखेंगे। जो कैपिटल एज स्पेसीज है, इसका एज का फुल फॉर्म होता है इवोल्यूशनरी डिस्टिंक्ट एंड ग्लोबली इंडल्जर्ड, इसका फुल फॉर्म है। एज स्पेसीज जो होती है जो कि थ्रेटेंड स्पेसीज है, जो थ्रेटेंड स्पेसीज है जो कि विलुप्त होने के कगार पर है, उसको हम लोग एज स्पेसीज कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल एलिफेंट, पांडा, ये सब क्या है, थ्रेटेंड स्पेसीज है, और ये जो है एज स्पेसीज के उदाहरण है। एलिफेंट, पांडा, ये सब क्या है, एज स्पेसीज के उदाहरण है। और जब ये स्मॉल स्पेसीज की बात करेंगे, ठीक है, तो इसमें हमारा आ जाएगा टर्टल, ठीक है, टर्टल के बाद कुछ फिशेज, इसके बाद मैंग्रोव वेजिटेशन, ये सब क्या है, एज स्पेसीज है, ठीक है। तो आप अंतर करना समझना इसको जरूरी है, जो क्वेश्चन इससे रहते हैं, इको टोन क्या है, एज इफेक्ट क्या है, और एज स्पेसीज क्या है, स्मॉल स्पेसीज क्या है, और कैपिटल एज स्पेसीज क्या है, इसको इसको हमें ध्यान रखना जरूरी होता है। अब मुझे लगता है कि क्लियर हो गया। अब हम लोग बात करते हैं हैबिटेट के बारे में, होम रेंज के बारे में, टेरिटरी के बारे में और निशे के बारे में। आइए देखते हैं हैबिटेट, हैबिटेट और होम रेंज को अच्छी तरह से, और टेरिटरी को और निशे को समझ लेते हैं। हैबिटेट ऑफ ए प्लांट और एन एनिमल इज द एरिया इन विच द ऑर्गेनिज्म और पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इज अडॉप्टेड टू लाइफ एंड ग्रो। हैबिटेट इज डिफाइंड बाई ऑल द बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर्स ऑफ द एरिया सच एज क्लाइमेट, वेजिटेशन, सॉइल, वाटर, इटीसी। देखिए होता क्या है हैबिटेट, इसको मैं डायग्राम से बताने की कोशिश कर रहा हूं कि
अगर ये बहुत बड़ा कोई इकोसिस्टम है, मतलब बड़ा क्या इकोसिस्टम है, इस इकोसिस्टम में प्लांट्स और एनिमल्स का, जहां पर कोई प्लांट और एनिमल जो अपना जीवन जीने के लिए जो भी आधारभूत आवश्यकताएं हो वो वहां पे फुलफिल कर रहे हैं, जैसे भोजन, पानी, रिप्रोडक्शन यानी मेटिंग का काम करते हैं, और इतने बड़े एरिया में इनका काम यहाँ पर ये बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स के कारण इनका पूरा हो जाता है। तो ये इसका हो गया हैबिटाट, जहाँ पर ये अधिवासित हैं और जहाँ पर इनके जीवन, अपने जीवन के लिए और जीवन को आगे संचालित करने के लिए सारी आवश्यकताएं इनकी यहाँ पूरी हो जाती है। तो इसको हम लोग बोल देते हैं हैबिटाट। ये हमारा हो गया हैबिटाट, हैबिटाट, ठीक है। अब दूसरा है कि होम रेंज। होम रेंज क्या होता है कि ये एक एरिया होता है जहां पर कि कोई ऑर्गेनिज्म अपने जीवन को संचालित करता है और एक पीरियोडिक आधार पर या डेली बेसिस पर उसका मूवमेंट होता है, मतलब अपने हैबिटाट से निकल करके, इस एरिया से निकल करके जहां डेली या पीरियोडिक लेवल पर जा करके बाहर में अपने जीवन को जीने के लिए कुछ कार्यों को संपन्न करता है, वो घूमने का हुआ या कुछ वस्तु को प्राप्त करने का हुआ, वहां से माइग्रेट करता है और पुनः वापस आ जाता है, डेली हो सकता है या पीरियोडिक हो सकता है। तो ये एरिया जहां तक ये मूव करता है अपने हैबिटाट को छोड़ करके, वो उसका हो जाता है होम रेंज। तो ये पूरा का पूरा क्या हो गया, ये हो गया, ये एरिया जो है इसका, ये सब सारा का सारा ये हो गया होम रेंज, होम रेंज, ठीक है। ये हमारा हो गया होम रेंज, हो सकता है दिख ना रहा हो तो मैं यहां कर दे रहा हूं, ये हमारा हो गया होम रेंज, ठीक है। अब हैबिटाट और होम रेंज में इतनी और महत्वपूर्ण अंतर यह है कि हैबिटाट जो होता है उसमें बायोटिक और एबायोटिक, बायोटिक कम्युनिटी और एबायोटिक कंपोनेंट के बीच इंटरेक्शन देखने को मिलता है, लेकिन जो होम रेंज होता है उसमें सिर्फ एबायोटिक कंपोनेंट ही प्रभावी होता है, अजैविक घटक ही प्रभावी होता है। क्योंकि मैंने यहां बताया कि ये यहां से अपने सारा जो जैविक आवश्यकताएं हैं बायोटिक वो तो अपने हैबिटाट से पूरा कर लेता है, और बाहर वो मूवमेंट के लिए जहां जब जब बाहर यहां से हैबिटाट से बाहर जाता है और वहां से भ्रमण करते हुए पुनः अपने जगह पर आ जाता है। हो सकता है कि कुछ महत्वपूर्ण जैविक क्रिया कर रहा हो लेकिन उसको वो प्रभावी नहीं माना गया है, ठीक है। तो ये होम रेंज हो गया जो कि हैबिटाट से बड़ा होता है। अब है टेरिटरी। टेरिटरी क्या होता है कि किसी जीव के द्वारा या जीवों के समूह के द्वारा जब किसी इंक्रोचर से, इंक्रोचर जो आक्रामक, जो आक्रमण जो उसमें उसके एरिया में प्रवेश करता है, तो उसके बचाव के लिए विभिन्न तरह की एक्टिविटी करते हैं, जैसे कि साउंड, विशेष प्रकार का साउंड हुआ, विशेष प्रकार का स्मेल हुआ, या कुछ गतिविधि से वो इंक्रोचर को अपने यहाँ प्रवेश नहीं करने देते हैं। तो वह एरिया जो किसी इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म या ऑर्गेनिज्म के ग्रुप के द्वारा जो सुरक्षा किया जाता है जितने बड़े एरिया को, उसको हम लोग टेरिटरी बोलते हैं, ताकि बाहरी लोग उसके अंदर ना आ सके, ठीक है। उसके अपने एरिया को बचाने के लिए, इंक्रोचर से अपने की सुरक्षा करने के लिए वो काफी एग्रेसिव बिहेवियर वो अपनाते हैं। तो जितने बड़े एरिया को एग्रेसिव बिहेवियर के द्वारा इंक्रोचर से बचाने के लिए वो एक्टिव होते हैं, उसको हम लोग टेरिटरी बोल देते हैं, टेरिटरी, ठीक है। इसके हम लोग सामान्य भाषा गुजर होते इलाका, ठीक है। ये हमारा हो गया टेरिटरी। और टेरिटरी जो होता है वो छोटा होता है, होम रेंज से काफी वो छोटा होता है। तो इकोसिस्टम में हैबिटाट भी देख लिया, होम रेंज भी देख लिया, टेरिटरी भी देख लिया जो कि इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स का होता है, और एक निशे है। निशे क्या होता है कि इसको अगर शब्द को समझ इस प्रकार से तो इससे प्रश्न रहते हैं। निशे इज ए पोजिशन वेयर वन कैन फंक्शन कंप्लीटली स्पेशली अंडर स्पेसिफिक कंडीशन। निशे इज इंक्लूड द ऑर्गेनिज्म फूड हैबिट वे ऑफ नेस्टिंग एंड रिप्रोडक्शन इटीसी। निशे क्या होता है कि किसी इकोसिस्टम में विभिन्न जीवों का एक अपना एक तंत्र होता है जिसमें अपने जीवन को संचालित करते हैं, या प्लांट हो या एनिमल हो, उनका एक इकोसिस्टम के अंदर ही सूक्ष्मतम स्तर पर उनका एक लाइफ स्टाइल होता है जिसके अंदर वो अपने पूरे जीवन क्रम को संचालित करते हैं, जिसे हम लोग निशे बोल देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा होता है हैबिटाट, होम रेंज, टेरिटरी और निशे।
इसको आप अच्छी तरह समझ लीजिएगा, इसे प्रश्न रखते हैं और बहुत ही कंफ्यूजिंग होता है इकोटोन इकोटोन के बारे में समझना, या एज इफेक्ट, या एज स्पेसीज कैपिटल स्मॉल। इसके बाद हमने देखा था हैबिटाट के बारे में, होम रेंज के बारे में, टेरिटरी और निशे के बारे में, इसे प्रश्न होते हैं। इसको अच्छी तरीके से बार बार रिविजन कर लीजिएगा, इसे प्रश्न होते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हाँ, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इससे संबंधित आए हुए प्रश्न पत्र को यूपीएससी में जो आएगा उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। थैंक यू।